जाइयो ना मेरे का जाइयो एक भाई जय माँ भवानी जय श्री राम सभी साथियों को भाइयों सभी भाइयों को जय माता जी की। भाइयों बात ऐसी है कि आपको सभी को पता होगा अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदनामे जो अपनी बाईसा सुचिता बाईसा के साथ में जिन दरिंदों ने जिन्होंने गलत काम किया जिन्होंने उनको जलाया था घर में घुस के उन सभी दरिंदों को चाय के छह दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमने पहले बोला भी था कि भाई अगर हमने 24 घंटे का समय दिया था उत्तर प्रदेश सरकार से कि योगी आदित्यनाथ जी उसमें आओ और इस बेटी को न्याय दिलाओ और इनकी गिरफ्तारी इनके जो इन्होंने ऐसा घिनौना कार्य किया है इन लोगों को पकड़ा जाए। तो सभी लोगों को पकड़ा गया है। अब बात रह गई बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में यहीं इस बच्चे का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी तो ट्रीटमेंट आपको पता लंबा चलेगा थोड़ा क्योंकि बच्ची को 85% पूरी जल चुकी है। तो हम सभी जितने भी भाई अपने उपदेश राणा भाई हैं तो सभी भाई हम उनके साथ में हैं तन मन धन जितना भी हमसे होगा हम उनके साथ में उनके परिवार के साथ में अपनी बहन के लिए अपनी बेटी के लिए खड़े हैं। यहाँ पर आपको पता है पिछले 4-5 दिन से यहीं उनके साथ हैं उनके परिवार के साथ हैं। तो सभी भाइयों से मैं यही विनती करूँगा कि इस मुहिम में जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया जितने भी भाइयों ने युवा भाइयों ने साथ दिया है उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी जितने भी वो दुष्ट थे वो पकड़े गए हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भी ये देखना है कि जैसे MP के मंदसौर में 56 दिन के अंदर उनको फांसी की सजा दी गई है तो ऐसे ही इस बच्ची का भी फास्ट ट्रैक हाई कोर्ट में मुकदमा चले और उन लोगों को भी फांसी की सजा मिले ताकि हमारी बच्ची को न्याय मिले हमारी बेटी को हमारी बहन को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता तो जो भी होगा मेरठ में हम 60 दिन का समय दे चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार से 2 महीने का। अगर उन लोगों को अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो भी होगा उसका खामियाजा खुद उत्तर प्रदेश सरकार भुगतेगी। तो हम यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से कि योगी आदित्यनाथ जी BJP पार्टी से हैं BJP सरकार से भाजपा सरकार से भारतीय जनता पार्टी से उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आपका ही नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो आप उनको हमारी बेटी को हमारी बहन को न्याय दिलाइए उनके दरिंदों को फांसी की सजा हो ताकि समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा उसका खामियाजा खुद भुगतेंगे। उपदेश राणा भाई साहब बताइए। सभी को जय माँ भवानी जय श्री राम साथियों। जैसे भाई योगेंद्र राणा जी ने बताया कि सर्वप्रथम तो इस मुहिम में जो भी साथी जिस प्रदेश के भी पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ यहाँ पहुँचे जो खड़े रहे जो आए जिन्होंने फ़ोन पर वार्ता की जो यहाँ पर आगे मिले सभी का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। वो इस बात का कि जो ये मुहिम थी इसको एक साथ लेकर चले जितने आरोपी थे उस मासूम बच्ची के सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो ज़मीनी लड़ाई बचती है वो इस तरीके की बचती है कि हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में जो माइनर्स गर्ल्स हैं जो नाबालिग बच्चियां हैं कि उनका 15 दिन के अंदर हफ्ता या 15 दिन के अंदर चलान पूरी चार्जशीट सौंप दी जाए और दो महीने के अंदर पूरा उसका जो है एक तरीके से डिसीजन केस का आ जाए और एक नया आयाम स्थापित करने का सरकार काम करे ऐसे मामलों में क्योंकि बहुत विभत्स घटना हुई है पूरे हिंदुस्तान ने देखी है और सभी ने देखी है और जिन ने सभी ने साथ दिया जो बेचारे यहाँ पड़े रहे दिन रात हम भी 3-4 दिन से हैं और बहुत से साथी जो यहाँ से हैं और बहुत दूर दूर से आए सभी का धन्यवाद हम बोलते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई अभी देखिए यहाँ तक समाप्त हुई है कि उनकी गिरफ्तारी होगी है। मैं सभी समाज के सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ से भी आप हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए दबाव सरकार पर लगातार बनाना है प्रशासन पर बनाना है कि चार्जशीट जल्दी पेश की जाए और हम परमात्मा से ये विनती करते हैं कि बच्ची बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है योगेंद्र राणा भाई को धन्यवाद बोलूँगा और वो इसलिए बोलूँगा कि भाई हरियाणा से 3-4 दिन यहाँ हो गए सबकी आवाज़ बनकर पूरे समाज के यहाँ खड़े हुए हैं इनको धन्यवाद जय श्री राम और गले से गले मिलकर खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़े हुए हैं भाई एक एक मिनट के लिए। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को अपने मतलब खुद मैं बोलता हूँ कि मुझे अपने जीवन काल में योगेंद्र भाई से मिला है ये मैं खुद जानता हूँ ये बात कैमरे पर बोलने की नहीं है लेकिन योगेंद्र भाई में जो चीज़ है काम करने की जो लगन है और समाज के प्रति जो भावनाएं हैं वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो आप सभी साथ दीजिए जितने भी साथी हैं जय माँ भवानी जय श्री राम।
हम एक बात और कहना चाहते हैं भाई, ये जो बेटी है, बेटी चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे बेटी हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, ऐसा अगर किसी के साथ भी घिनौना हरकत होता है तो हम आने वाले समय में हर किसी भी, अगर किसी बेटी के साथ में अगर अत्याचार होगा तो हम उस हर बेटी के लिए उनकी आवाज़ बनेंगे। तो रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, आप सभी को पता होगा कि मातृशक्ति का ही जिससे मर्द जन्म लेता है वो भी एक बेटी का और एक माँ का ही हाथ होता है। तो इस हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में बेटियों की इज्जत कीजिए, और ऐसा कुछ करने से पहले जिन्होंने ऐसे कार्य, ऐसा घिनौना कार्य किया है, सोचिए अगर कल को आपकी बेटी के साथ में भी ऐसा होता, आपकी बहन के साथ होता है तो कितना दर्द होता होगा। तो अगर ऐसी किसी भी हमारी किसी भी जाति बिरादरी से, वैसे किसी से भी कोई मतभेद नहीं, अगर फिर भी हमारी किसी को जरूरत होगी, किसी बहन बेटी की अगर ऐसे मतलब किसी भी प्रकरण में, तो हम उनका साथ देंगे, वो चाहे किसी भी बिरादरी किसी भी समाज से हो। अपनी बात को अब यहीं विराम देना चाहेंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय भवानी, जय श्री राम। एक छोटी सी बात सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि सब उपदेश भैया ने भी बोला, उपेंद्र भैया ने भी बोला कि बेटी के साथ हम लोगों ने जितनी जंग करी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अभी आवाज़ उठाने का समय पूरा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि अभी तक उस बच्ची के फादर को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी मुआवजे या हेल्प का अनाउंसमेंट नहीं किया गया ना। उपेंद्र भैया उन सभी लड़ाइयों के लिए, उसके न्याय तक के लिए लास्ट तक साथ खड़े रहेंगे। 60 दिन का समय दे चुके हैं, उस बेटी को अगर न्याय मिलता है ठीक है, नहीं मिलेगा तो जो कुछ कामयाब होगा उसको कुछ सरकार भुगतेगी। हम यही पहले कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि 60 दिन का समय दिया, मात्र 60 दिन का, 60 दिन के अंदर गिरफ्तार तो हो चुके हैं, उनको फांसी सजा होनी चाहिए और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और जो भी हमारी मांगे होंगी वो यहाँ पर रखी जाएंगी, जंतर मंतर पे या कहीं से भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश से किसी भी जिले स्टेट से हो या फिर हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी होगी, इसकी मांग भी उठाई जाएगी। वैसे हमने डिसाइड किया कि दिल्ली के जंतर मंतर से होंगी, लेकिन अगर इस बेटी को 60 दिन का समय दिया, उनको फांसी नहीं मिलेगी, तो जो भी खामियाजा, जो भी आंदोलन में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई, उसका खामियाजा खुद उत्तर प्रदेश सरकार भुगतेगी, क्योंकि हमने समय दे चुके हैं। तो इसी बात को अब यहीं पे विराम देना चाहेंगे। बात भाई मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भाई हमारे दिल्ली से हैं, आसपास में जो लोग नहीं हैं वो पूछ रहे, बार बार फ़ोन करके उनसे हम कहेंगे भाई हम लोग यहीं हैं, और जिसको कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास है, मिल ले। जो आसपास के लोग हैं वो आते जाते जरूर हैं यहाँ पे, भाई अपने श्याम ठाकुर भाई, श्याम ठाकुर भाई 4 दिन से हैं भाई के साथ हैं, और यहीं हम आ रखे ठीक है। हमें तो भाई लोकल गए हैं, भाई दूर गए हैं इसलिए नहीं आ पाते जाते, लेकिन हम तो हैं कम से कम, आप लोग हमारा साथ देके यहाँ, अगर कोई ना कोई जो आता जाता है उनको उम्मीद रहेगी कि हमारे साथ समाज खड़ा हुआ है ठीक है। और जो है अपने समाज के जो संगठन चला रहे हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि सभी लोग हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि भाई इनको और लड़की को न्याय दिलाओ। बस यही, जय श्री राम भाई, जय भवानी। ठीक है भाई, जय श्री राम, जय भवानी। 60 दिन का समय दिया, 60 दिन में हमारी मांगे सभी पूरी हो, नहीं होगी तो जो इस मुहिम में जो आंदोलन होगा उसका खामियाजा, नुकसान होगा उसका खामियाजा खुद उत्तर प्रदेश सरकार भुगतेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।